हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 ईयरफोन जो कि 500 रुपये के अंदर आने वाली है और काफ़ी इम्प्रेसिव इनकी साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगी। और इसमें जो माइक है, माइक भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देगा। मतलब कि आप सामने जब कम्युनिकेट करोगे किसी से, कॉलिंग पे बात करोगे, तो वो आपको क्लियर सुनाई देगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा के ऑल प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों जिसको मैंने अपने पहले नंबर पर रखा है वो है बोट कंपनी का बेसेट 242, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी और काफ़ी इम्प्रेसिव हमको देखने के लिए मिलती है। 10 mm का आपको इसमें ड्राइवर देखने के लिए मिलता है। देन ईयर हुक्स जो है, मतलब कि ईयर जो है आपके कानों में एकदम फंस जाते हैं, और इसमें आपको हुक्स मिलते हैं ये टेढ़ी सी जो लाइन की, मतलब फंस जाते हैं। आप नाचो गाओ या भागो, निकलेगा तो है नहीं आपके कानों में से, तो ये भी चीज इसमें आपको बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलती है। IPX4 का आपको इसमें सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिससे कि इसके ऊपर अगर पानी भी आ जाता है तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और इसकी जो केबल की जो लेंथ है वो काफी ही बड़ी है, और केबल की लेंथ पे पॉलिथीन चढ़ी हुई है, जिससे कि पानी का बचाव इससे बहुत ज्यादा होगा। तो दोस्तों जिसको मैंने अपने दूसरे नंबर पर रखा वो है Xiaomi की Redmi हाई रेजोल्यूशन ईयरफोन्स, जो कि काफी बढ़िया, और इसको मैं पिछले 1.5 साल से मैं भी यूज कर रहा हूँ। ये है वो ईयरफोन भाई साहब, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रेसिव इसकी साउंड क्वालिटी हमको देखने के लिए मिल जाती है, और काफ़ी नॉर्मल, मतलब कि प्यारी सी, बढ़िया और एकदम फिक्स हो जाती है यार कान में। ऐसे करके आप लगाओगे तो कानों में एकदम फिक्स हो जाती है ये ईयरफोन, और बिल्कुल निकलती नहीं है, और साउंड क्वालिटी जो काफ़ी ही अच्छी है। देन आपको इसमें 10 mm का आपको इसमें ड्राइवर देखने के लिए मिलता है, जो कि इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देता है। और आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो वो चीज़ें आपको एकदम क्लियर सुनाई देती है। इसका माइक जो है, इसकी उसमें लाइन में जो है, तार की लाइन में जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें आपको मिलता है, और काफ़ी बढ़िया इसका माइक है, काफ़ी अच्छी आपको इसमें क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है, सुनने के लिए मिलती है। IPX का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है, मतलब कि वाटर प्रूफ है ये ईयरफोन भाई, पक्का वाटर प्रूफ है, क्योंकि बहुत बार भीगा हूँ तो कुछ तो हुआ नहीं इसका अभी तक, और पूरा 1.5-2 साल हो चुकी है, तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की और काफ़ी बढ़िया 400 रुपये में ये आपको मिल जाती है। तो जितनी भी मैं ईयरफोन्स आपको अभी बता रहा हूँ सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप लोग एक बार जाकर चेक जरूर करना। तो दोस्तों जिसको मैंने अपने तीसरे नंबर पर रखा है वो है वोल्ट ऑडियो बेस बड्स करके एक ईयरफोन है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसकी भी साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी इम्प्रेसिव देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती है। देन 12 mm का आपको इसमें ड्राइवर देखने को मिलता है, जो कि इसकी साउंड क्वालिटी को और सब जो ईयरफोन्स बताइए उनसे अच्छी और बढ़िया बना देता है, बट इससे अच्छी नहीं बना सकता Xiaomi की, जो भाई कमाल की है ये ईयरफोन, एकदम बढ़िया। देन इसमें आपको IPX5 का सपोर्ट मिलता है, मतलब वाटर प्रूफ है ये आपकी ईयरफोन, और पानी में भीग जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है, मतलब कि आप जब कम्युनिकेट करोगे सामने वाले से तो कोई नॉइस जो है बहुत ही मामूल सी आएगी नहीं, मतलब खत्म हो जाएगी नॉइस। वैसे ना बोलते हैं हम, सांस जो लेते हैं जो नॉइस आती है वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, और एकदम बढ़िया क्वालिटी की सामने वाले को आवाज़ सुनाई देगी, और एकदम इम्प्रेसिव आवाज़ सुनाई देगी। तो दोस्तों जिसको मैंने अपने फोर्थ नंबर पर रखा है ईयरफोन्स वो है JBL का C100 SI ईयरफोन, जो कि काफ़ी बढ़िया, और आपको पता ही है कि JBL कंपनी की जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रेसिव हमको सुनने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती है, और बोट की भी काफ़ी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। और बात करें आपको इसमें ड्राइवर जो है, 10 mm का आपको इसमें ड्राइवर देखने के लिए मिलता है, जो कि इसकी साउंड क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रेसिव बनाता है। नॉइस कैंसिलेशन का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है, मतलब कि नॉइस तो आपकी कुछ आने वाली है ही नहीं, और क्लियर आप कम्युनिकेट कर पाओगे सामने वाले से, बात करोगे तो क्लियर आप एकदम अपनी बात को रख पाओगे एकदम बढ़िया तरीके से। और बहुत ही लाइट वेट है इस ईयरफोन में, और कमाल का ये ईयरफोन होने वाला, बस थोड़ा सा महंगा है, 700 रुपये की समथिंग आता है। अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके बढ़िया क्वालिटी चाहते हो तो ये ईयरफोन काफ़ी ही अच्छा है, और JBL कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो ये 700 रुपये का है और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले नंबर ईयरफोन की ओर, जिसको मैंने अपने पहले नंबर पर रखा है, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का ये ईयरफोन है, और इसकी जो साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आपको सुनने के लिए मिलती है। तो ये है Realme का Buds 2, और इसमें जो आपको ड्राइवर देखने के लिए मिलता है वो है 11.2 mm का, जो कि इसकी साउंड क्वालिटी को काफ़ी बढ़िया बनाता है। आपको इसमें जो बेस वगैरह एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया तरीके से आपको इसमें सुनने के लिए मिलेगा, और इसकी जो केबल की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, और केबल जो है
मतलब कि कुछ होने वाला नहीं है, खींच लो तान लो कुछ भी होने वाला नहीं है, इसकी केवल आसान तरीके से खराब होने वाली है नहीं। देन आपको इसमें दो ईयर टिप्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा मिलते हैं कि एक तो इसमें लगा हुआ है, दो आपको मिल जाते हैं कि वाई दे आपका जो ईयर टिप्स है खराब हो जाए या हो जाए तो आप इसको लगा के अपना काम चला सकते हैं। और इसका जो माइक है, माइक भी काफी अच्छा है, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें माइक आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप सामने वाले बंदे से बात करोगे तो आपकी क्लियर वॉइस सामने वाले बंदे को सुनाई देगी एकदम बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों यही सब थे 5 ईयरफोन जो कि मैंने अभी आपको बता दिए। और अभी जो मैंने आपको बताया रियलमी बर्स 2, तो इसका जो प्राइस है वो है 600 रुपये, मतलब कि 100 रुपये ज़्यादा है। तो इसकी जो क्वालिटी है ना वो ऑल सब ईयरफोन से काफ़ी अच्छी है, मतलब कि सही में यार बहुत ही इम्प्रेसिव इसकी साउंड क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा इसमें हमको साउंड बेस हमको सुनने के लिए देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको इनको चेक करना है, लिंक मैंने सबके डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप एक बार जाके चेक जरूर करना। और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का, और सही में ये जो है शाओमी की है, शाओमी की भी काफ़ी अच्छी है, 400 रुपये में काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्प्रेसिव साउंड क्वालिटी जो हमको सुनने के लिए इसमें मिलती है। तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाकर चेक जरूर करना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी रिव्यू की वीडियो, टेक न्यूज, अपकमिंग प्रोडक्ट की रिव्यू की वीडियो, उसके बारे में नॉलेज